Assalamu alaikum, students, how are you? Hope all of you are fine and enjoying your vacation. I'm your math teacher, Ms. Shaista. Now we are doing exercise 4.2. आपको पता है हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं. लेक्चर 14 है हमारा और हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व नहीं किया था. अब हम आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एवेलेट a plus 1 divided by 4 is k plus 1 when a is equal to 1 by 2 and a is equal to minus 1 by 2. ठीक है, पेज 108 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का है. आपने देखिए 1 क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, उसी पैटर्न पे, सेम एज इट इज, उसी पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंपली हमने क्या करना है कि हम पहले एक दफ़ा a की वैल्यू 1 बाई 2 इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, और फिर हम a की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन में और आंसर निकाल लेंगे. चलें, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था हमारे पास, एवेल्युएट दिस एंड व्हेन इज, मैंने पहले कहा कि आप a की वैल्यू 1 बाई 2 पुट करेंगे. a प्लस 1 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 1 बाई 2 वी गेट. ठीक है, a की वैल्यू क्या है, हम a की जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने a की वैल्यू क्या करनी है, 1 बाई 2 पुट कर देनी है प्लस 1. ठीक है, 4 एज इट इज़ a की जगह हमने पुट कर दिया 1 बाई 2 का ऑल स्क्वायर प्लस 1. ठीक हो गया, आप देखो 1 बाई 2 प्लस 1 एज इट इज़, मैं 1 बाई 2 के स्क्वायर को खोलूँगी, 1 बाई 4 आ जाएगा प्लस 1. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंपली मैंने क्या किया कि a की वैल्यू को मैंने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया, कुछ भी नहीं किया. ठीक हो गया, और स्क्वायर ओपन कर लिया. अब आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्या करना है, 1 बाई 2 प्लस 1 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1. अब देखो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर 1 बाई 2 इन न्यूमिरेटर. अब क्या मसला है, न्यूमिरेटर में क्या मसला है, ये आ रहा है हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में 1 बाई 2 प्लस 1, इनको हम ऐड करेंगे. ऐड कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया 2 आया, 1 2 2 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 1 2 1 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 एंड डिवीजन में 1 प्लस 1 2. अब आप देखिए ये 2 एंड ये 2 दोनों 2 आपके पास डिवीजन में है, आप लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, आप लिख देंगे 3 बाई 4. आप ये बात नोटिस करें कि जब आपने a की वैल्यू 1 बाई 2 पुट की क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 बाई 4. गॉट इट, आप क्या कर रहे हैं, आप उसने सेकेंड पार्ट दिया है, नाउ a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 ए स्केयर प्लस 1 पुट a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको आपकी a की वैल्यू और a आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपने a की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 पुट कर देंगे सिंपली. अब a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 का होल स्केयर प्लस 1. मैंने a की जगह माइनस 1 बाई 2 को वैसे ही रिप्लेस कर दिया जैसे a की वैल्यू 1 बाई 2 रिप्लेस की थी क्वेश्चन के अंदर. गॉट इट, आप देखो उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. 2 का मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है, 2 वन ज़ा 1 वन ज़ा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2. देखिए ये एलसीएम आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, नीचे आ जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1. अब 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और इधर माइनस 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाता है 1 बाई 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1. अब 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अब दोनों डिनोमिनेटर हैं 2 एंड 2, हम दोनों डिवीजन में ना दोनों को नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1 बाई 4. आप ये बात नोटिस करें कि जब a की वैल्यू मैंने a की वैल्यू 1 बाई 2 पुट की तो मेरे पास आंसर 3 बाई 4 आया, और जब मैंने a की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 पुट की तो आंसर 1 बाई 4 आया. गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं.
अच्छा जी, मूव कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 15 एंड एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। गॉट इट? आप अगर इस क्वेश्चन को आप नोटिस करें तो आपको ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है। नहीं गिवन तो क्या नहीं गिवन? आपको एस की वैल्यू गिवन नहीं है। आप पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आप पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन पॉसिबल है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। गॉट इट? अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो पहले ये देखा करें कि कौन सी चीज़ आपको गिवन है और कौन सी चीज़ आपको गिवन नहीं है। अब मुझे इस क्वेश्चन को देखते ही मालूम हो गया कि मुझे, मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, बट मेरे पास एस की वैल्यू गिवन नहीं है। इट्स मीन कि मुझे पहले एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए जी, मैंने सॉल्व किया आपके लिए ये क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट ए इजिकल टू 9, बी इजिकल टू 12, सी इजिकल टू 15, ठीक है। अब एस मैं निकाल रही हूँ, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2। इन सबको एडअप करेंगे 36 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये आ जाएगी एस की वैल्यू। ईजी है ना? अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फार्मूलाज में, इस फार्मूला में एस है, वहाँ वहाँ 18 पुट कर देंगे। अंडर रूट 18 इंटू 18 माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है 9, 18 एस की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 12, 18 एस की वैल्यू और माइनस सी की वैल्यू 15। गॉट इट? अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम कैसे, ये देखें। नाउ 18 इंटू 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15, इनको मैं सॉल्व करूँगी तो 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3, 18 एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है। अब अगर आप देखें तो मैं 18 को लिख सकती हूँ ना 9 मल्टीप्लाई 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 18 को हम ब्रेकअप करके लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2, मैंने वो लिख दिया, मल्टीप्लाई 9 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़। अब आप नोटिस करें, ये 3 टूज अभी 6 बन रहा है ना, एक 6 ये मेरे पास हो गया 3 इंटू 2 और एक 6 ये हो गया। अब आप देखें कि 9 का भी स्क्वायर बन रहा है और 6 का भी स्क्वायर बन रहा है, ऐसा है ना अंडर रूट। अब 9 6 है क्या हो गया 54 और स्क्वायर। अब अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो ये 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 54। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नाउ अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। 4.3 में जाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहती हूँ जिसे इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा जाएगा क्या वो फाइंड आउट करें, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब हमसे कहा जाएगा ए बी फाइंड आउट करें, एक्स वाई फाइंड आउट करें, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। गॉट इट? ये दोनों फार्मूले इस एक्सरसाइज में एप्लीकेबल हैं, ठीक है, हम यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे करेंगे आए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1110, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई वेन। नंबर 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। गॉट इट? अब हमने क्या करना है, हमने वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको भी बताया था कि जब हम वो फार्मूला जो आपको मैंने बताया है उसको हम इसमें एप्लीकेबल करेंगे और अप्लाई करेंगे, और हम उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आए जी देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वी नो दैट, हमें पता है फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला है जनाब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब एक्स प्लस वाई मुझे 8 गिवन था और एक्स माइनस वाई मुझे 3 गिवन था, मैंने सिंपल पुटिंग की है, एक्स प्लस वाई की जगह 8 पुट कर दिया इसका स्क्वायर ले लिया और एक्स माइनस वाई 3 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट? अब 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है,
इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास आंसर आ गया 73 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इस 2 को अगर दोनों साइड से डिवाइड, दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा होगा ना। अब देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट 73 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गए, गॉट इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 73 बाय 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 6 है इंटू मतलब पॉइंट्स में आपके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप 73 बाय 2 भी लिखेंगे तो नो इशू, नॉट बिग डील, तो ये भी आप लिख सकते हैं, गॉट इट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली, अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, नाउ फाइंडिंग एक्स वाई वी यूज दिस फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू 4xy। आप अगर ये फार्मूला और ये फार्मूला को नोटिस करें तो फार्मूला थोड़ा सा सेम है, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, इधर भी एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, इधर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, इधर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, इधर प्लस साइन है और इधर नेगेटिव साइन है, और ये नेगेटिव साइन वाला जो है वो 4xy के इक्वल है और पॉजिटिव साइन वाला आपके पास 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल है। फार्मूला याद करना ईजी है ना, सेम फार्मूला है, ठीक हो गया। अब आपने 4xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करूँगी, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर की जगह 8 पुट कर देंगे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्केयर की जगह 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4xy आ जाएगा। 8 का स्केयर करेंगे तो 64 आ जाएगा, माइनस 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 4xy। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 आ जाएगा एंड 4xy। अब दोनों साइड से आपने 4 को डिवाइड कर देना है, दोनों साइड से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, 53 बाय 4 इज इक्वल टू 4xy बाय 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और xy की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 53 बाय 4, गॉट इट। आपको जस्ट एक फार्मूला, आपको दो फार्मूला आपको याद करने हैं, उससे उसकी मदद से आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। सेम इसी पैटर्न पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एंड एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर कोई इशू होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री आल्सो, क्योंकि आपके पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 दी गई है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 दी गई है। आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है और आप ये कर सकते हैं खुद से। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि आपने ये तीनों क्वेश्चंस, ये जो तीनों क्वेश्चन ना पेज 110 पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपने इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है, इनकी वीडियो बनानी है और गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है। आई विल चेक हियर, ओके, और कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है इन क्वेश्चंस में, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।